उसने आपको अप्रोच किया सुनने के लिए और क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच किया गया पंचायत? नीरज गैंग्स ऑफ वासीपुर में कंटिन्यूटी सुपरवाइजर है, रह चुके थे और मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर नहीं थे, मेरे लिए वो एक बहुत काबिल असिस्टेंट थे और उन्होंने दो तीन शॉर्ट फिल्में बनाई थी जो बहुत अच्छी थी, उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले, इसलिए उनके साथ काम करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। क्या कुछ किरदार होगा फिल्म में? फिल्म में किरदार का नाम है देवी और उसके साथ कुछ पर्सनल ट्रेजेडी होती है, वो उसके साथ कैसे जूझती है कहानी पूरी, उसके उसके और उसके फादर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, संजय मिश्रा प्ले कर रहे हैं वो है। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो मैं देखती हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी है ओवरऑल, ताकि फिल्म कैसी हो वो पता चल जाए और मेरा किरदार कैसा है, उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि फिल्म का डायरेक्टर कितना काबिल है और प्रोड्यूसर कितना काबिल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर प्रोड्यूसर अच्छे ना हो तो फिल्म बहुत सफ़र करती है। नहीं बिल्कुल ही, मैंने अभी कहा ना वो काफ़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं, बहुत जानकारी है उन्हें फिल्म के बारे में और इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट थी कि मना करना मुश्किल था। नहीं मुझे लगता है कि नीरज ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखी, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं एक स्टेज तक पहुँच गई, वो बहुत गुरूर की बात है। लेकिन फ्यूचर में लगता है ज़्यादातर मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री आपको ही पता है, बच्चन के लिए, शाहरुख के लिए लिखी जाती है स्क्रिप्ट, आपके लिए या किसी और एक्ट्रेस के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाएगी? आई थिंक बहुत सारी एक्ट्रेसेस के लिए स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जाती हैं, चाहे वो तबू हो या माधुरी दीक्षित हो या श्रीदेवी हो और शबाना आज़मी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के लिए काफ़ी सारी स्क्रिप्ट लिखी गई हैं, तो कोई अनोखी बात नहीं है और बहुत खुशी की बात है कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है। पहले के दौर में कहा जाता है कि सब इस तरह की फिल्में आर्ट फिल्म है, आज तो जमाना रहा नहीं, तो ये आर्ट हो चुकी है अब, समझ चुकी है। नहीं पर मैं पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो ये आर्ट फिल्म है नहीं, दूसरी बात कि आप लोगों को क्यों लगता है कि जनता को आर्ट से परहेज है? अगर लोग आर्ट पसंद नहीं करेंगे तो हम तो काम ही नहीं करेंगे, हम सभी आर्टिस्ट हैं, तो ये धारणा अपने आप में गलत है कि आर्ट फिल्म है, और उससे भी बेवकूफ़ी वाली बात यह है कि आर्ट फिल्म लोगों को पसंद नहीं है। और बॉलीवुड में जो है वुमन सेंट्रिक फिल्मों का ज़माना चल पड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे, फैंस को टक्कर दे सकते हैं बॉलीवुड के एक्ट्रेस, क्या लगता है? आई थिंक बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी समय से, पिछले 20-25 सालों से जो तीनों खान हैं वो छाए हुए हैं, तो टक्कर की बात नहीं, मैं चाहूँगी कि धीरे धीरे औरतों को भी उतनी अहमियत मिले फिल्मों में जितनी कि मेल एक्टर्स को मिलती है, और ऐसा हो रहा है और आई थिंक दोनों एक स्टेज आएगा जो एक बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा, जाए कोई ये नहीं कहेगा कि ये फीमेल ओरिएंटेड है या मेल ओरिएंटेड, सब कहेंगे ये अच्छी फिल्म है बस। मैं उनको पूरा क्रेडिट देती हूँ क्योंकि टैलेंट एक चीज़ होती है, पर टैलेंट को दुनिया तक पहुँचाने वाला कोई ज़रूरी चाहिए होता है करियर में, और मेरा कोई मेंटोर नहीं है, पर अनुराग कश्यप अगर हो तो मैं उन्हीं को मेंटोर मानूंगी, क्योंकि अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर नहीं आती तो शायद देखिए कैन फिल्म फेस्टिवल दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, उसके बारे में भी काफ़ी जानती है, उनको पता है फ्रांस में होता है, और उस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ दो अवार्ड जीत कर आई फिल्म है, रामलीला और फुकरे वगैरह वो मैंने अपने स्पेस में रह के किए हैं, और मुझे कोई परहेज़ नहीं है कमर्शियल फिल्मों से, मैं एक कमर्शियल फिल्म कर रही हूँ उसका नाम है कैबरे, और इंडस्ट्री में ये बहुत देखा जाता है कि जो जिस फिल्म से लॉन्च होता है उसको उसी तरह के रोल्स मिलते हैं, जैसे कि मेरी शुरुआत अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर से हुई तो लोगों को ये लगेगा कि इस स्पेस में ठीक है, तो लोग भी मुझे अप्रोच करने से डरते हैं, और मैं अपनी स्क्रिप्ट्स का चुनाव बहुत प्यार से करती हूँ, इसलिए दोनों वजह हो सकती है।